हमें बात करने के लिए साथियों के साथ देखिए, हमारा सिंपल सा मुद्दा है लोगों के चेहरों पे खुशियां वापस लाना, लोगों के मुश्किलात में कमी करना। रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों खितों में इस वक्त परेशानी बदहाली का जो माहौल है उसे दूर करना, लोगों में जो शकूक है उनको दूर करना। देखिए, 5 अगस्त के बाद कश्मीर में एक ऐसा माहौल है कि यहाँ कोई पॉलिटिकल बात करने वाला नहीं है। आप सड़कें देखिए, सड़कों की हालत क्या है, यहाँ नेट नहीं है, यहाँ पर लाइफ बिल्कुल हर तरह से बिल्कुल उथल पुथल होकर रह गई है। तो सियासी पार्टियाँ जी हैं, कुछ लोग तो बंद हैं और कुछ लोग बात नहीं कर रहे हैं, कुछ डर और खौफ जैसा माहौल महसूस कर रहे हैं। तो हमने देखा कि अल्ताफ बुखारी साहब ने एक लीड ली, काफ़ी दिनों से ये अखबारों में बात कर रहे थे कि मैं बहुत से दोस्तों को लेकर चलना चाहता हूँ और कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैंने भी महसूस किया कि सब ऐसे माहौल में जब लोग बात नहीं करना चाहते थे, और हम लोगों ने सोचा कि यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन दिन ब दिन वर्स हो गई है, और यहाँ की टूरिज्म जो मेन इंडस्ट्री थी वो ख़त्म हो गई, और खुदा के फजल से एक ऐसा तूफान भी आया बर्फ़ का कि हॉर्टिकल्चर भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ की जो टोटल इकॉनमी है वो टोटली डिरेल हो गई है। और मैंने इनसे जब बात हुई, अल्ताफ से और कुछ साथियों से, तो हमने यही बात की कि साहब हम किसी ऐसे कन्फ्रंटेशन में नहीं आएंगे, हम लोग एक लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, उस सिलसिले में हम सरकार चाहे स्टेट है चाहे सेंटर है उसके सामने बात करेंगे, कोई बात करने वाला होना चाहिए।